हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और इस समय निकलने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद संडे राइड पे चुका है संडे, तो आई होप एवरी आपको अच्छा लगेगा, तो बने रहिए मेरे साथ। देखो, बात ऐसा है, अपने घर जैसा है। आप लोग अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पाए हुए हैं आप लोग के लिए, और संडे एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। और दिल्ली और मुंबई के राइडर की तरह जो मेरे पास भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो कर रहा है, तो आप भी थोड़ा सा अपना मेहनत दिखाओ, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और मज़े से संडे को एंजॉय करो। तो होप करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पेंडेमिक से जो है ना आप निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत ही जल्द पेंडेमिक भी ख़त्म हो जाएगी और ऐसा है कि बहुत ही बेहतर लोकेशन पे हम हैं, दूर दूर तक कोई नहीं। भाई अपन यहाँ का राजा है। अगर कोई नहीं हो तो यहाँ पर अपन राजा है, और कोई आ जाए तो फिर यहाँ पर अपन प्रजा है। कोई बात नहीं, मजाक की बातें हैं। तो आप बहुत ही बेहतर हो, अब बेहतर ही रहो। और इस सब सिचुएशन में आपको पता नहीं होगा, मेरे यहाँ एक CMO थे जो वो डेथ कर गए कोरोना से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। अगर काम ना होता बाहर मत निकलिए, बाहर आप निकल भी रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के साथ निकलिए। आपको लग रहा होगा कि हमने मास्क नहीं लगाया है और मैं ज्ञान पे ले जा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मास्क हम लाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लगाया नहीं है। क्योंकि आप हमें पहचान नहीं पाओगे, इसलिए मैं मास्क उतार दिया। और दूर दूर तक कोई नहीं है, इसलिए मास्क उतार कर बात करने में कोई हर्ज नहीं है। एक और बात बोलनी थी आप लोगों से। एक बहुत ही मतलब कि बहुत ही गंदा ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे। आपको शायद ये चीज़ पता नहीं होगा कि यूट्यूब पे केवल जो है ना ट्रेंड गालियों का आ चुका है। अब आप समझ रहे हैं, गालियों का ट्रेंड आ चुका है। अगर कोई बच्चे अगर देखता है यूट्यूब पे तो समझ ही रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे ही होते हैं। तो अगर कोई गालियाँ दे रहा है यूट्यूब पे अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना बहुत सारी चीज़ें मतलब कि ये सारी चीज़ें मुश्किल कोई नहीं भी करना चाहता है, तो वो चूँकि जो है ना कंटेंट यही है आजकल का, मतलब यह है गाली देने का मतलब होता है कि ट्रेंड। अगर आप गाली दे रहे हैं तो आप ट्रेंड कर रहे हैं, और ट्रेंड करने के लिए वो लोग गाली बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। और चूँकि हमें पता है कि वो अपने माँ बाप के सामने ऐसी गालियाँ नहीं बकते होंगे, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे हैं, अगर आप यूट्यूब पे हैं और यूट्यूब को अपना फैमिली मानते हैं, तो ये भी आपका फैमिली ही है, और फैमिली में गालियाँ नहीं दी जाती। आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जो भी हो, कैरी मिनाटी हो या जो भी हो, हम ऐसे बात बोल रहे हैं। कैरी मिनाटी जो पॉपुलर हैं तो उनके वीडियो पे व्यूज बहुत आते हैं, तो उनके ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा जो कंटेंट है वो गाली से रिलेटेड ना हो। और एक्चुअली क्या है ना कि उनका भी गलती नहीं है, गलती हम लोगों का। हम लोग जो है ना ऐसे लोगों को जो है ना प्रमोट करना शुरू कर देते हैं जो बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देता है, और दूसरी बात है जो अच्छा वीडियो भी बनाता है और उसमें गाली नहीं, तो हम लोग उसको प्रमोट नहीं करते हैं। तो ये सारी गलती हम लोग की है, और हम लोग ऐसे यूट्यूबर को जो है ना सपोर्ट करते हैं वाले, और मतलब अपने आप को गाली देकर अच्छे और कुल लगने वाले लोगों से जो है ना बहुत 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 ही ज़रूरत है बचने का और बच्चे को बचाने का। तो आप ऐसे यूट्यूबर के वीडियो मत देखें। मैं आप ऐसे सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि आप देखें चाहे नहीं देखें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मत आप देखें, क्योंकि ये लोग जो है ना समाज में गंदगी ला रहे हैं। गाली देना एक ट्रेंड नहीं है, आपको बता दूं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आप कर सकते हैं और उसको ट्रेंड बना सकते हैं, लेकिन गाली देकर पॉपुलर होना मतलब एक बहुत ही घटिया टाइप का लगता है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप अपने वीडियो पर व्यूज लाना चाहते हो तो आप नंगे भी फ़ोटो डाल दो, बहुत ज़्यादा व्यूज आएंगे, तो आप उसमें उससे और आप इससे रिलेट कर सकते हैं। कारण कि आप इसमें दिखा तो नहीं रहे हैं कुछ, लेकिन बोल रहे हैं। वो लोग बोलते नहीं दिखाते हैं, और आप जो है ना दिखा रहे हैं मतलब बोल रहे हैं दिखा नहीं रहे, बस आप में और उसमें इतना ही अंतर है, कुछ खास अंतर नहीं है।
और अपना क्रिएटिविटी दिखानी है तो आप कुछ ऐसा करो, आप कुछ ऐसा चीज़ें करो जो बहुत ही बेहतर हो और समाज को सुधारने वाली हो। और अगर आप पॉपुलर हैं तो आप ही पर जिम्मेवारी आती है। अगर आप पॉपुलर हैं ना, समाज में पॉपुलर क्यों होते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, ऐसा नहीं केवल आपकी गालियों को ही पसंद करते हैं। हम भी आपको सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं, कैरी मिनाटी आप सुन रहे हो ना, हम भी आपको सब्सक्राइब किए हुए हैं, लेकिन क्यों, गालियाँ सुनने के लिए नहीं, क्योंकि आप बहुत कुछ भी बोलते हो, कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हो जो हमें पसंद है उसमें का, लेकिन उसमें के गालियाँ पसंद नहीं है। लोग चुतियापा करते हैं, जैसे मैंने ये वर्ड बोला, लोगों के लिए बोला कि लोग चुतियापा करते हैं, लेकिन लोग गंदी हरकतें करते हैं ये भी आप बोल सकते हैं, ये बहुत ही गंदा है, ये वर्ड भी बोल सकते हैं। इसमें चुतियापा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, भोंसड़ी वाले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, माधर चोत बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप अपने घर में ये सब नहीं बोल रहे हैं तो आपको यूट्यूब भी बोलने का हक नहीं है, कारण कि अगर आप यूट्यूब पे आप आकर बोलते हैं कि यूट्यूबर मेरा भाई है, दोस्त है, फैमिली मेम्बर वाले हैं, तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है, कारण कि यूट्यूब भी एक फैमिली है। जब आप फैमिली में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो यूट्यूब भी बोलने की कोई हक नहीं है आपको। तो प्लीज़ आप इस चीज़ें ध्यान में रखें और ट्रेंड में लाएं गाली को नहीं। हमारा समाज और सभ्यता हिंदुस्तान का गाली देने वाली ये सभ्यता नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब बात समझ रहे हो, मैं अपना ये वीडियो, एक और बात आपको बता दूं कि अपना ये वीडियो पॉपुलर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपना ये वीडियो पॉपुलर करने के लिए कतई नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉपुलर हम अपना ऑलरेडी काम करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये सारी चीज़ें गंदगी करना चाहते हैं तो आप यहाँ के निवासी होने की कोई हक नहीं है। इंडिया में अगर आप हैं तो इंडिया के सभ्यता और संस्कृति को आप लेकर चलिए। अगर आपको बहुत ही चूल मची है गालियाँ देने का और भी कंट्री के लोगों के साथ मतलब कंपेयर करने का, अपनी सभ्यता ऐसी नहीं है, आपको ध्यान में आना चाहिए सारी चीज़ें। आप कॉलेज नहीं गए हो, हमको लगता है कॉलेज भी जाकर आप क्या उखाड़ बात बोल रहे हैं, आप कॉलेज जाकर क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते थे, क्या कर सकते थे, आप ही बताइए क्या कर सकते थे। कारण कि ये जो सोच है ना, ये सोच और थिंकिंग और समाज में रहने का रूल और रेगुलेशन और सारी चीज़ें जो है ना, बिहेवियर, कल्चर, ये सारी चीज़ें माँ बाप से आती हैं। अब आप समझ रहे हो, माँ बाप से आती है, परवरिश से आती हैं, और हमें लगता है इसमें जो है ना चुक गए हैं लोग, कुछ लोग चुक गए हैं जो ऐसे YouTube पे आकर जो है ना गंदी गंदी बातें बोलते हैं, हमको लगता है कुछ लोग चुक गए हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आप समझ रहे हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से रहें, अच्छे अच्छे कंटेंट डालें, ये नौटंकी बंद कीजिए ये ट्रेंड में लाने का कि हाँ हम गाली देंगे तो बहुत ही कूल हो जाएंगे, है ना। आप ये लगार लाते हैं, म्यूजिक लाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जब एक तरफ आप खुद आप सोचते हैं ऐसी चीज़ें और दूसरी तरफ आप खुद ही करते हैं।